बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं दो का दम में आज बात करेंगे उपचुनाव के रण की, क्योंकि डूंगरपुर में 84 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दोनों कुआं पहुंच चुके हैं। हेलीपैड पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी के कारीलाल ननोमा के समर्थन में चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं ये तमाम बड़े नेता। इसके बाद एक बड़ी जनसभा और जनसभा के माध्यम से 84 सीट पर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश बीजेपी की ओर से, क्योंकि पिछले दो बार से ये जो सीट है ये न बीजेपी न कांग्रेस बीएपी का गढ़ बनकर रह गई। अब बीएपी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। जी का आरक्षण भी दिया, आपको ये सब पता है कि जीएसएस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये स्कॉलरशिप जो एसटी को स्कॉलरशिप मिलती है ये नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप जानते हैं कि राजकुमार जी रोत ने जो शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने जो स्कॉलरशिप प्राप्त की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसी के कारण से वो पढ़ सके और आज कुछ तैयार हो सके। ये बात भूलते क्यों है? ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन्नत ग्राम, पीएम जनजाति अभियान, सामाजिक और आर्थिक सुधार का काम ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। तो पहाड़ी क्षेत्र के विकास का काम भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। अब यदि आप नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत देना चाहते हैं, आदरणीय भजनलाल जी को ताकत देना चाहते हैं, तो आदरणीय कारीलाल जी को जिता करके भेजिए, ये सब कारी लगा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहां मंच से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनावी जनसभा हो रही है। उपचुनाव के रण में अंतिम छोर पर है चुनाव प्रचार। इसके बाद केवल जनसंपर्क का एकमात्र माध्यम बचेगा, ये नेता फिर जनसंपर्क करेंगे। और अब चूंकि उपचुनाव का प्रचार आखिरी दौर में है तो ऐसे में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पूरी कोशिश यही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएपी हो, कि चुनाव जीते। हालांकि अगर 84 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी नदारद है। यहाँ पर कांग्रेस उतना ज़्यादा प्रचार नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बीएपी को शायद अपनी बी टीम मानती है, या कह सकते हैं कि बीएपी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में बीएपी को बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देकर कांग्रेस ज़्यादा माहौल नहीं ख़राब करना चाहती। बीजेपी को हराना कांग्रेस का पहला लक्ष्य है। बीएपी की जीत से शायद कांग्रेस को इतना बुरा ना भी लगे। 84 विधानसभा उपचुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव में है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री का ये दूसरी बार का दौरा है। इससे पहले मुख्यमंत्री एक बार और आ चुके हैं और मदन राठौड़ का तो ये तीसरा दौरा है।